कंपनी जो है सरकार से जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रही। एग्रीमेंट में एक बात ये थी कि मालेगांव कारपोरेशन की हद में जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये 40-45 साल पुराना है, जिसकी वजह से लॉसेस बहुत ज्यादा होते और उस लॉसेस के बेस के ऊपर मालेगांव के लोगों को चोरी का इल्जाम दिया जाता है। सरकार ने 20 करोड़ रुपया हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का पाबंद बनाया किया था, लेकिन कंपनी 20 करोड़ रुपया जो सालाना खर्च करना है वो खर्च नहीं कर रही। आज 3 साल का टाइम हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त ना करने की वजह से हालात ऐसे हैं कि 3 साल में लोग अपना कारखाना बनाने के लिए जमीन खरीद करके, शेड बना करके, लूम लगा करके करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया है, लेकिन कंपनी उनको 3 फेज का कनेक्शन नहीं दे रही। जिन लोगों ने बैंक से लोन लेकर के ये काम किया है वो लोन में ब्याज भरने के सिलसिले में परेशान है। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं कर रही है, मीटर बार बार बदलने का काम कर रही है और लोगों को हरेसमेंट कर रही है। कंपनी में काम करने के लिए जितने जनसंख्या जितनी होनी चाहिए उन्होंने रखा नहीं है। मीटर से जो है कितना यूनिट यूज हुआ है वो न लेते हुए एवरेज बिल बना करके वो दे रहे हैं। मेरा ऐसा मेरी जानकारी ऐसी है कि 2 महीने से ज्यादा एवरेज बिल नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये 6-6, 8-8 महीने का मुसलसल जो है एवरेज बिल दिया जा रहा है और बिल दुरुस्ती के नाम के ऊपर लोगों को 10-10, 20-20 चक्कर लगवाते हैं और बिल दुरुस्त करके देते नहीं हैं। सरकार ने मालेगांव के बुनकरों को और टेक्सटाइल के अंदर विकास हो इस सिलसिले में एमपीएसएल कंपनी को यह ठेका दिया था, लेकिन मालेगांव की कमर्शियल लाइन से कमर टूटती जा रही है और घर गुती बिल यूज करने वाले आज ये एवरेज बिल के नाम के ऊपर घर गुती बिल में 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक बिल दे रहे हैं और कारखानों में जो है 5-7 लाख रुपए का बिल बना करके दे रहे हैं और उनका तकाजा ये होता है, प्रेशर ये होता है कि तुम बिल भरो, जब तक बिल भरोगे नहीं काम नहीं होगा। बिल भरवा लेते हैं और काम होता नहीं है, और कभी अगर ये होता है कि भाई आप जो है बिल दुरुस्त करके दे दो तो महीनों चक्कर लगाने के बाद भी बिल दुरुस्त नहीं होता। मेरी आपसे ये गुजारिश है, एमपीएसएल कंपनी जो मनमानी कारोबार कर रही है मालेगांव में पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, रिवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ उनकी कई मर्तबा मीटिंग लगाई जा चुकी है, लेकिन वो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी महीना भर पहले पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग हुई थी एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी की मौजूदगी में, उन्होंने माना कि हाँ हमसे ये कोताही हो रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई दुरुस्ती नहीं की है। आपसे मेरी ये गुजारिश है कि मालेगांव टेक्सटाइल सिटी है, 67% लोग जो है झोपड़पट्टियों में रहते हैं, कमाते हैं तो खाते हैं। अब इस तरह अगर ये बिजली सप्लाई कंपनी की विशेषता त्यांच्याशी जो करार झाला त्या कराराप्रमाणे त्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलेला नाही, इन्फ्रास्ट्रक्चरची सुधारणा जी करायची आहे ती त्यांनी केलेली नाही आणि सातत्याने ऍव्हरेज बिल ते देत आहेत, तर या संदर्भातल्या सूचना देण्यात येतील? एकतर ऍव्हरेज बिल हे देताच येत नाही आणि आपण सांगितलं ते एखाद वेळेस अडचण झाली तर एखाद दुसरा महिना ठीक आहे, पण 6-6 महिने ऍव्हरेज बिल देणं हे मान्यचं नाहीये, त्यामुळे त्या संदर्भातल्या सूचना देण्यात येतील आणि कराराप्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चरचं इन्व्हेस्टमेंट त्यांनी केलंय की नाही, कराराप्रमाणे ज्या सुधारणा त्यांनी करायच्या होत्या त्या केल्या आहेत की नाही याची देखील पडताळणी केली जाईल। या संदर्भात महावितरणचे जे एमडी आहेत यांना स्वतः लक्ष घालायला सांगितलं जाईल आणि त्यातनं त्यांना कराराप्रमाणे कारवाई करायला लावली जाईल, आणि त्यांनी कराराप्रमाणे कारवाई केली नाही तर करारात दिलेल्या अटी शर्तीचं उल्लंघन झालंय म्हणून जी काही योग्य कारवाई कराराने सांगितली आहे ती देखील त्यांच्यावर करण्यात येईल। साहेब बोला, रंजित सावरकर।